Assalamualaikum students. In Pakistan Affairs lecture series, today we are going to discuss about Pakistan's role in the region, its influence and interaction with its region. Okay, जी पाकिस्तान का रोल अगर देखा जाए रीजन के अंदर तो एक काफी सिग्निफिकेंट रोल है. इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है. पाकिस्तान का अगर इस रोल को देखा जाए कि सिग्निफिकेंस किस वजह से है, वाई इट इज सो मच सिग्निफिकेंट एंड हैव इन्फ्लुएंस ऑन अदर ऑन दिस रीजन, तो इसमें हमारे पास ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है या पाकिस्तान की डेमोग्राफिक लोकेशन सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है, ये तमाम चीजें मिलकर जो है वो कुछ की एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कर देती है जो पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट रोल रीजन के अंदर जो है वो उजागर करता है. सबसे पहले अगर हम इसका उसको जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को देखें, ठीक है, पाकिस्तान की जो अब लोकेशन है वो किस तरीके से है कि साउथ एशिया के साथ उसके क्रॉस रोड्स हैं, सेंट्रल एशिया के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, बॉर्डरिंग कंट्रीज में इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, ईरान, ये तमाम कंट्रीज आ रहे हैं. एक्सेस है अरेबियन सी की तरफ, ठीक है जी. तो ये तमाम चीजें जो है इसकी जो जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है. इसके साथ साथ अगर देखा जाए पाकिस्तान को, डिफरेंट जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है पाकिस्तान, ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सार्क है, एससीओ है, ओआईसी, ईसीओ, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से जिनका एम ही है कि जो कंट्रीज की जो है वो डेवलपमेंट की जाए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उनकी कल्चरल, सोशल, ये तमाम चीजें इंक्रीज की जाए, तो इनका बीइंग अ मेंबर ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जो है वो अपने एक इन्फ्लुएंस डाल रहा है रीजन के ऊपर और उसका बाकी कंट्रीज के साथ अपना इंटरेक्शन जो है वो एक अच्छे टर्म्स में जो है वो मोस्टली पॉजिटिव टर्म्स में जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान का रीजनल रोल की बात की जाए तो पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, कॉपरेशन कर रहा है इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ. जो पीस प्रोसेस है, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से डायलॉग हुए अफगान तालिबान और गवर्नमेंट वगैरह के साथ, ये चीज इंपॉर्टेंट है. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सी पैक एक जो है वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चाइना का, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था बीआरआई, ठीक है जी. इसके साथ साथ एनर्जी कॉरिडोर है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस है, तो ये तमाम फैक्टर्स जो है मिलकर पाकिस्तान का रोल एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है रीजन के अंदर और एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री है और इसका इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ में रीजन के साथ एक ज्यादा प्रोमिनेंट रिलेशनशिप है. तो इस टॉपिक में हम पाकिस्तान का इन डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ईरान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया, अफगानिस्तान, तो इनके साथ पाकिस्तान का जो एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है उसका इन्फ्लुएंस क्या है, तो ये तमाम चीजें हम यहाँ पर इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान रीजनल रोल. रीजनल रोल की अगर बात करें तो सबसे पहले पार्टीशन एंड आफ्टर इट्स आफ्टरमैथ, पार्टीशन से लेकर आगे तक पाकिस्तान का क्या रोल रहा, उसकी आफ्टरमैथ क्या थी. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, 1947 में पाकिस्तान की क्रिएशन हुई. अब इस ड्यूरेशन में जो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है जी, उसकी तरफ से पाकिस्तान की पार्टीशन की गई. इससे क्या हुआ कि जो खित्ते में साउथ एशिया में एक जियो पॉलिटिकल कॉन्फिगरेशन हुई, एक नई स्टेट का इजाफा हुआ और इसने पाकिस्तान को एक अपनी इंपॉर्टेंस दिलाई. कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को अगर देखा जाए तो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट उस टाइम से ही था और इसने क्या किया है, पाकिस्तान की जो रीजनल पॉलिसीज को है जो है वो अफेक्ट किया. पाकिस्तान ने अपने कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए कुछ फॉरेन पॉलिसीज वगैरह को बनाया. कोल्ड वॉर एरा की अगर बात की जाए तो कोल्ड वॉर एरा में एक्चुअली पाकिस्तान का जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन थी यूनाइटेड स्टेट्स और इसके साथ साथ सोवियत यूनियन के दरमियान में. अब इससे क्या हुआ कि और साथ साथ जो डिफरेंट कंट्रीज थे, डिफरेंट एलियंस थे सोवियत यूनियन के, अब ये लास्ट कब तक, तकरीबन वर्ल्ड वॉर के एंड तक ये कोल्ड एरा जो है वो जारी रहा और इसके रिजल्ट में एटलीस्ट एट द एंड क्या हुआ कि सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स हो गई. तो ये तमाम जो सिचुएशन थी, जो कोल्ड वॉर एरा था, इस ड्यूरेशन में पाकिस्तान का क्या रोल रहा कि पाकिस्तान ने जो है वो अलाइनमेंट की यूएस के साथ, ठीक है जी. पाकिस्तान की अलाइनमेंट जो है वो यूएस के साथ थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा. पाकिस्तान अलाइंड विद द यूएस, जॉइंट सीटर एंड सेंटर विच शेप्ड इट्स रीजनल स्ट्रेटेजी. इसने पाकिस्तान की जो रीजनल स्ट्रेटेजी है उसको बहुत ज्यादा शेपअप किया. सपोर्ट फॉर मुजाहिदीन को देखा जाए तो पाकिस्तान की सपोर्ट थी अफगान मुजाहिदीन के लिए अगेंस्ट सोवियत इन्वेजन के खिलाफ.
ठीक है जी 1980s में, और इस चीज ने भी पाकिस्तान के जो रीजनल डायनेमिक्स है उनको काफी ज्यादा अल्टर कर दिया था। बायलेटरल रिलेशनशिप्स की अगर बात करें विद नेबरिंग कंट्रीज, फर्स्ट वी हैव इंडिया। इंडिया के साथ पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन किस तरीके से रहा, कश्मीर डिस्प्यूट था, पाकिस्तान का ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कश्मीर के साथ और ये मेजर सोर्स ऑफ टेंशन है। ट्रेड एंड डिप्लोमेसी की बात की जाए तो पाकिस्तान का कश्मीर के इशू की वजह से या डिफरेंट वॉटर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन चीजों के कॉन्फ्लिक्शन तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो अपनी ट्रेड और डिप्लोमेसी की पॉलिसी रखी है, जो डिफरेंट बायलेटरल टॉक्स हैं इनमें पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व रहता है इंडिया के साथ, तो डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस कॉन्फ्लिक्शन पाकिस्तान इज एक्चुअली एंगेजिंग इन डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज। अब ये तमाम जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज हैं ये पाकिस्तान का रोल इसको एक अच्छा इन्फ्लुएंस दे रही है अपने रीजन के अंदर। रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुई इंडिया की तरफ से 2019 में। इससे क्या हुआ कि जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वो उसमें काफी ज्यादा जो है वो टेंशन क्रिएट हुई दोनों कंट्रीज के दरमियान भी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और ये जो है एक इस किस्म का सिनेरियो बना कि दोनों रीजन के एक रीजन के अंदर थोड़ी सी इससे टेंशन क्रिएट हुई। पीस इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो जैसे कि शिमला एग्रीमेंट था, लाहौर समिट, तो पाकिस्तान की तरफ से इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट शो किया तो ये इससे काफी ज्यादा टेंशन को रिलीज किया गया। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप अगर टच करें हम, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात की जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी है पाकिस्तान कंसर्न्स अबाउट द ड्यूरेंट लाइंस एंड क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री सिग्निफिकेंट। अब क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का कंसर्न है ड्यूरेंट लाइन के साथ ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तालिबान इन्फ्लुएंस की अगर बात की जाए, पाकिस्तान रोल इन फैसिलिटेटिंग पीस टॉक एंड इट्स रिलेशनशिप विद द अफगान तालिबान इम्पैक्ट रीजनल स्टेबिलिटी को, ये दोनों रिलेशनशिप पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ने पीस टॉक्स को फैसिलिटेट किया, इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप रहा अफगान तालिबान के साथ इसने रीजन की स्टेबिलिटी के अंदर जो है वो काफी ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट किया। 2021 डायनामिक्स को अगर हम देखें, आफ्टर 2021 के डायनामिक्स को अगर हम देखें जिसमें यूएस ने जो है विड्रॉ कर लिया था अफगानिस्तान से, तो इसके रिस्पांस में क्या हुआ कि वापस अगेन तालिबान का टेक ओवर हुआ। हैज बॉट चैलेंजेस रिलेटेड टू बॉर्डर मैनेजमेंट रिफ्यूजी फ्लोज, और इससे काफी ज्यादा चैलेंजेस कुछ अराइज हो गए बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर। इसके साथ साथ जो महाजरीन थे, अफगान महाजरीन वगैरह, उनके रिफ्यूज फ्लोज का एक थोड़ा सा जो है चैलेंज पाकिस्तान के लिए ये चीज बन गई। चाइना और पाकिस्तान रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले वी हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सीपैक एन इम्पॉर्टेंट सिनेरियो, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि एनहेंस कर रहा है पाकिस्तान के इकोनॉमिक टाइज को और पाकिस्तान चाइना के इकोनॉमिक टाइज को, इसके साथ साथ जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको भी ये इंक्रीज कर रहा है। मिलिट्री कॉपरेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान और चाइना दोनों कंट्रीज आपस में एंगेज हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अंदर, डिफेंस कोलैबोरेशन इनका चल रहा है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान की चाइना के साथ बिल्डअप है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट की अगर देखा जाए तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, चाइना एक मेजर ट्रेड पार्टनर है, मेजर इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान पे अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और पाकिस्तान को उसके जो डिफरेंट सिचुएशंस, क्रिटिकल सिचुएशंस इकोनॉमिकली या पॉलिटिकल आ रही हैं उनके अंदर काफी ज्यादा पाकिस्तान को हेल्प आउट करता है, और ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनके ऊपर भी इसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईरान एंड पाकिस्तान। ठीक है जी, ईरान और पाकिस्तान में अगर हम जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप को देखें तो फर्स्ट से पहले हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एनर्जी एंड ट्रेड। ईरान और पाकिस्तान जो है वो अपने एनर्जी इंटरेस्ट को शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, जो गैस पाइपलाइंस के ऊपर डिस्कशन है, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन एक मेजर एनर्जी एंड ट्रेड सिनेरियो। रीजनल इन्फ्लुएंस की बात की जाए, पाकिस्तान का जो इंटरेक्शन है ईरान के साथ वो भी काफी ज्यादा मतलब बैलेंसिंग सिचुएशन में है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो अराइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर सुन्नी एंड शिया कॉन्फ्लिक्ट, जो सेक्ट्स के दरमियान जो इन फिकों के दरमियान लेकर थोड़ा सा आपस में तनाजा पाया जाता है, तो ये चीजें जो है वो ये रिलेशनशिप बैलेंस होने में कुछ रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो अराइज होते हैं। रिसेंट इश्यूज की अगर हम बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग एंड मिलिटेंसी हैव इंपैक्टेड बायलेटरल रिलेशनशिप्स। जो इश्यूज की अगर बात की जाए बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से, जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग हो रही है या इलीगल एक्टिविटीज हैं, ये चीजें जो है वो इंपैक्ट कर रही है दोनों कंट्रीज के बायलेटरल रिलेशनशिप्स को। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव्स की बात की जाए अगर,
पाकिस्तान रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है. फर्स्ट वी हैव सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ऑब्जेक्टिव एंड चैलेंजेस क्या है रीजनल इंटीग्रेशन? सार्क एम्स एट फोस्टिंग इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज. जो रीजनल इंटीग्रेशन क्या है वो सार्क का एम है कि इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर उसको फोस्टर करना है, उसको इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है. टेंशन एंड इफेक्ट्स की बात की जाए, बायलेटरल टेंशंस पर्टिकुलरली विद इंडिया हैव ऑफन हिंडर्ड सार्स इफेक्टिवनेस. अब टेंशंस और इम्पैक्ट क्या होता है कि पाकिस्तान की जो टेंशंस बन रही हैं कुछ सिचुएशंस इस तरह की इंडिया के साथ, इंडिया के साथ जो कंफ्लिक्शन है, ठीक है. अब ये बायलेटरल टेंशन पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है, पाकिस्तान की जो जो एक प्लेस है इसमें सार्क में, वो अफेक्ट हो रही है. वो इस तरीके से अफेक्ट हो रही है, इस तरीके से हिंडर हो रही है कि इंडिया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान काफी ज्यादा कुछ अपनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेवलपमेंट में आगे है. तो ये चीज जो है वो सार्क को इस तरह के एक्शन लेने से रोक देती है अगेंस्ट इंडिया, और इससे जो पाकिस्तान की इफेक्टिवनेस है वो काफी ज्यादा कई सिचुएशन सिनेरियोज में जो है वो कम हो जाती है. पाकिस्तान का रोल देखा जाए अब अगर, तो लीडरशिप एंड इनिशिएटिव, पाकिस्तान इज प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन वेरियस सार्क इनिशिएटिव्स. सार्क के काफी इनिशिएटिव में पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है, इसके जैसे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, तो इनमें पाकिस्तान ने जो है वो इनके इनिशिएटिव में सार्क को जिन कंट्रीज में इस किस्म की हेल्प चाहिए पाकिस्तान ने काफी ज्यादा जो है वो इन चीजों में हेल्प आउट किया है. इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ में देखा जाए तो पाकिस्तान का रोल, तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गोल्स, रीजनल डेवलपमेंट. अब ईसीओ का जो मेन फोकस है वो इकोनॉमिक ऑपरेशन है डिफरेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज के दरमियान, मिडल ईस्ट के दरमियान. ट्रेड एंड कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसका जो एम है वो ट्रेड लिंक्स को इम्प्रूव करना और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं रीजन के अंदर उनको इम्प्रूव करना है. पाकिस्तान के हिस्सारे के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या है? पाकिस्तान जो है वो ट्रेड और कॉपरेशन में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है जी. पाकिस्तान एक्टिवली पार्टिसिपेंट इन ईसी इनिशिएटिव्स एम्फसाइजिंग रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी. पाकिस्तान बिकॉज ऑफ अरेबियन सी, एक पाकिस्तान के पास मेजर ट्रेड रूट मौजूद है, इसके अलावा बाकी बॉर्डर्स होने की वजह से भी एक मेजर ट्रेड रूट है, मेजर क्रॉस रोड्स है पाकिस्तान के पास, और ये चीज जो है वो पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है ईसीओ में उसे काफी ज्यादा एनहेंस और इंक्रीज कर देती है और इसका एक सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे आ जाता है. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ठीक है. रीजनल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो एससीओ का फोकस सारा रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर है जिसमें काउंटर टेररिज्म और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है. इकोनॉमिक कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन द रीजन. इकोनॉमिक कोलैबोरेशन चाहती है ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, प्रमोट करती है इकोनॉमिक ऑपरेशन को और इसके साथ साथ जो तरक्की है रीजन के अंदर उसके ऊपर इसका ज्यादा फोकस है. पाकिस्तान की एंगेजमेंट यहाँ पे किस तरीके से हो रही है? ऑब्जर्वर स्टेटस, पाकिस्तान हैज बीन इन्वॉल्व इन एससीओ डिस्कशंस पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जितनी भी एससीओ डिस्कशंस हुई है पाकिस्तान ने उसके उसमें शिरकत की है और पाकिस्तान में जो रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह, इनके अंदर स्पेशली पाकिस्तान की जो अपीयरेंस है वो काफी ज्यादा रही है. स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को अगर देखा जाए तो सीपैक, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई सीपैक से, इसके साथ साथ इकोनॉमिक इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा हुआ सीपैक का. चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, सिक्योरिटी सिचुएशन जो बलूचिस्तान की है वो सीपैक के जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट की उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है. मीन्स जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है दैट्स एक्चुअली अफेक्टिंग दिस प्रोजेक्ट. इकोनॉमिक बेनिफिट की बात की जाए तो सीपैक एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट है जिसमें जॉब्स क्रिएट हो रही है लोगों के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो रही हैं तो डिफरेंट जॉब्स भी ऑब्वियसली अवेलेबल हैं. इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है. गवादर पोर्ट डेवलपमेंट का अगर देखें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, मैरीटाइम ट्रेड, गवादर पोर्ट इज क्रूशियल फॉर रीजनल मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी. ये जो गवादर पोर्ट है ये एक्चुअली में एक डीप वाटर पोर्ट के बारे में आप कह सकते हैं, अरेबियन सी के साथ मौजूद है गवादर डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान में. अब इसका की कंपोनेंट जो है वो एक्चुअली में सी पैक ही है कि इसमें जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये एक वाइटल लिंक है एशिया का, मिडिल ईस्ट का और अफ्रीका का, और ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट पोर्ट के तौर पर जो है वो अराइज हो रही है. स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इसकी काफी ज्यादा जो है वो बेहतरीन है कि ये पर्शियन गल्फ के साथ रिलेट कर रही है, डीप वाटर पोर्ट है. इसके अलावा यहाँ पे जो ऑयल टर्मिनल्स बनाए गए हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इसके काफी ज्यादा है. तो ये जो गवादर पोर्ट है ये एक्चुअली में एक ट्रेड रूट के तौर पर बहुत ही पाकिस्तान को बेनिफिट दे रही है और इसके साथ साथ इकोनॉमिक हब के तौर पर भी अराइज हो रही है, ठीक है. इट इज इन्वेजन एज ए मेजर इकोनॉमिक हब बूस्टिंग ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट. जैसे ही बताया कि एक रूट इसका इस तरीके से हो रहा है, लोकेशन इसकी ऐसी है कि पर्शियन गल्फ के साथ भी रिलेट कर रही है,
ठीक है, और इसका जो वाइटल लिंक है वो एशिया और मिडल ईस्ट और अफ्रीका के दरमियान में है, तो ये इकोनॉमिक हब के तौर पर पाकिस्तान की जो ट्रेड है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस की बात की जाए, सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिटिकल फॉर पोर्ट सक्सेस। कोई भी अगर पोर्ट है तो उसकी सक्सेस के लिए उसकी सिक्योरिटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को अगर देखें, रीजनल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कश्मीर इशू, ठीक है जी, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे बड़ा जो इशू आता है वो कश्मीर इशू का ही है, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है और ये एक मेजर चैलेंज है। अफगान स्टेबिलिटी अनदर इशू, इसमें जो अफगानिस्तान की तरफ से जो सिचुएशन चल रही है और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जिस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है, डिप्लोमेटिक किस्म का रिलेशनशिप है, तो ये दो मेजर इश्यूज एक्चुअली में पाकिस्तान इस रीजन के ऊपर जो है वो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स को अगर हम देखें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जिसमें डेट रेट इम्बेलेंस है, पाकिस्तान के रीजनल इन्फ्लुएंस को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूडिंग टेररिज्म एंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स पोज सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। रीजनल थ्रेट्स जो है वो जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को जो है वो सामने आ रहे हैं इसकी वजह से, सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से। डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की अगर बात की जाए, रियलाइनमेंट ऑफ अलायंसेस, पाकिस्तान शिफ्टिंग अलायंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्फ्लुएंस इट्स रोल इन द रीजन, ठीक है जी। अब पाकिस्तान की जो रियलाइनमेंट हुई अलायंस के साथ, कि पहले किसी कंट्री के साथ किस तरह के रिलेशनशिप्स के बाद में वो बिल्डअप हुए या उनके अंदर कुछ जो है वो कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन आ गई, इस किस्म की चीजें जो है जो शिफ्टिंग हुई पाकिस्तान के अलायंसेस के साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इन्फ्लुएंस करती है। रीजनल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, रीजनल इंटीग्रेशन एक्चुअली में जो है पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं रीजनल इंटीग्रेशन को एनहेंस करने की और कॉपरेशन की, वो पाकिस्तान के जो फ्यूचर में रीजनल इन्फ्लुएंस है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। अब अगर हम कंक्लूजन के ऊपर आए तो इस तमाम स्टडी से जो पर हमने स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखे, डायनेमिक्स देखे, डिफरेंट जो रीजनल इन्फ्लुएंस देखा पाकिस्तान का, तो इससे हमें ये चीज बहुत ज्यादा सामने नजर आ रही है कि पाकिस्तान का जो रोल है रीजन के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, या आप कह सकते हैं कि मल्टीफेसेटेड है, ठीक है जी। अब इन डिफरेंट चैलेंजेस को इनको लेवरेज करना, ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो पाकिस्तान के लिए एक इंश्योरिटी है कि वो अपना इन्फ्लुएंस, अपना एक जो रीजनल अफेयर्स के अंदर अपना जो इंटीग्रेशन है, अपनी इन्फ्लुएंस है, उसे किस तरीके से कायम रखता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और इन तमाम इनिशिएटिव्स के अंदर जो है वो किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, अपने आप को किस तरीके से मनवाता है, या क्या इसके अंदर इसको चैलेंजेस का सामना कर सकता है, जो डिफरेंट हिस्टोरिकल या स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनका जो एक सिनेरियो है, उनके अंदर पाकिस्तान उसमें अपने रीजन को इस अपने अपना रोल जो है वो किस तरीके से शेप कर सकता है इस रीजन के अंदर। तो इस टॉपिक के अंदर आपने तमाम यही चीजों को डिस्कस करना है, अपने एज ए क्वेश्चन को रिलेटेड क्वेश्चन को लेते हुए आपने कॉम्प्रिहेंसिवली इन तमाम सिनेरियोज को हिस्टोरिकल और डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिकल जियो पॉलिटिकल तमाम सिनेरियोज को डिस्कस करते हुए यू हैव टू राइट योर आंसर। होपफुली टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।